नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कंप्यूटर जी के। तो इसमें अभी तक हम लोग 9 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 10वां टेस्ट है। कौन सा 10वां टेस्ट है। तो याद रखिए, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को डिटेल के साथ नहीं पढ़ा है तो हम लोगों ने आपका कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आप लोग कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसमें आपके 15 चैप्टर के करीब पढ़ाए गए हैं। उन चैप्टरों को देख लीजिए, प्लस इन मॉक टेस्टों को लगा लीजिए। इतना कवर करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, फिर चाहे वो लिखित रूप में आए फिर चाहे ऑब्जेक्टिव रूप में। और हाँ, एक जानकारी वो दे दें आप लोगों को कि कई लोग जीमेल पर एसएमएस कर रहे हैं, फेसबुक पेज पर भी, कि जो आपका आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही थी वो कुछ दिनों से बंद है। इसलिए बंद है क्योंकि मुझे लगा कि कई लोग बोल रहे थे कि उनका एमपी का टीईटी जो वन डे एग्ज़ाम है तो कंप्यूटर और एमपी जीके को कवर करना था। तो अगले संडे से, मतलब अगले संडे से हम लोग उस टेस्ट सीरीज को भी शुरू कर देंगे, ठीक है? तो संडे तक का इंतज़ार करिए। तो 10वें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? डेटाबेस में डेटा को इनपुट करने के लिए प्रयोग में आने वाली युक्तियां हैं। माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन। इनपुट का अर्थ यहाँ आप लोग इस तरह से समझ लीजिए, जो हम किसी को देते हैं वही इनपुट हो सकता है। जिस तरह से हम मोबाइल में कुछ सर्च करना होता है तो हम इनपुट देते हैं, मतलब कुछ लिखते हैं उसमें, वही इनपुट हो गया। जो हमें काम का चीज़ उपलब्ध होती है वो आउटपुट होता है, ठीक है? इसीलिए बोलता हूँ कि वो सामान्य ज्ञान के सभी लेक्चर आप लोग देख लें, जिसमें आपका बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो समझने की और सॉल्व करने की स्थिति में आप लोग होंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा, किसी डीबीए की क्या जिम्मेदारी होती है? किसी डेटाबेस को डेवलप करना और मेंटेन करना, सही है? ये भी सही है। तो इसमें आपका डी होगा, ए और सी दोनों। दूसरे में क्या होगा? डी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, डेटाबेस सारणियों से मिलकर बना होता है तथा सारणियां पंक्तियों जिन्हें कहते हैं तथा स्तंभ जिन्हें कहते हैं से मिलकर बनी होती हैं। इसमें रिकॉर्ड फील्ड क्या होगा आपका? तीसरे में बी, डेटाबेस सारणियों से मिलकर बना होता है तथा सारणियां पंक्तियां जिन्हें हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं तथा स्तंभ जिन्हें हम लोग फील्ड कहते हैं से मिलकर बनी होती हैं। तीसरे में आपका बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है 4 हमारा? चार है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम डेटा एलिमेंट्स को उनके आकार के आरोही क्रम में दर्शाता है? कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। 4 में क्या होगा आपका? सी। 5, किसी डेटाबेस में पंक्ति का दूसरा नाम क्या है? रिकॉर्ड। क्या होगा आपका 5 में? ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन एक डेटाबेस में एकल एंटिटी जैसे कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि के बारे में सूचना संग्रहित करता है?
रिकॉर्ड, छठवें में आपका सी होगा। सातवां, एक प्रोग्राम जिसका इंटरफेस उपयोगकर्ता के लिए DBMS में ज़्यादा अनुकूल होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? फॉर्म। साथ में आपका डी होगा, ठीक है। आठ, एक डेटाबेस में एक रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है, क्या कहते हैं? फील्ड। आठ में क्या होगा? बी। नौ, किसी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में किसी विद्यार्थी का नाम तथा पता क्या माना जाएगा? एट्रीब्यूट। नौ में आपका सी होगा, नौ में क्या होगा? सी। क्वेश्चन है हमारा दस का अर्थ है कि डेटाबेस में संग्रहित डेटा बिल्कुल सही और विश्वसनीय है, डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ है कि डेटाबेस में संग्रहित डेटा बिल्कुल सही और विश्वसनीय है, यानी कि 10 में आपका बी होगा। 11, इनमें से कौन सा डेटाबेस का अवयव नहीं है? इनमें से डेटाबेस का अवयव नहीं है, सारणी है आपका, क्वेरी है, फॉर्म है, रिपोर्ट है, ट्यूपल नहीं है, क्या है? ट्यूपल नहीं है। तो इसमें होगा आपका 11 में ई ऑप्शन सही हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। डेटा रिलेशनशिप सेमेंटिक्स और कंटेंट्स का वर्णन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले टूल को कहते हैं, डेटा मॉडल, क्या कहते हैं? डेटा मॉडल। सी ऑप्शन 12 में आपका सही होगा। 13, डॉक्टर ई एफ कोड ने नियमों का प्रतिनिधित्व किया जिसका पालन एक डेटाबेस द्वारा किया जाना चाहिए, अगर यह सही मायने में रिलेशनल माना जाता है। बारह नियमों का। 13 में आपका सी होगा। 14, डेटा की संपूर्णता की समस्याओं के लिए कारण है, डेटा की उपलब्धता की कमी। 14 में आपका ए होगा। 15, डेटा के दोहराव को, डेटा की अस्थिरता को, निर्भरता को, डेटा के अनाधिकृत उपयोग को कम करने के लिए समाधान प्रदान करता है, DBMS। 15 में क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। 16, डेटाबेस सूचना को मैं संग्रहित करती है, डेटाबेस सूचना को पंक्तियां और स्तंभ में संग्रहित करती हैं। 16 में क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17, निम्न में से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? डाटाबेस 2000 क्या होगा? 17 में ई। 18, एक रिकॉर्ड का एक विशेष फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचान दिलाता है, की फील्ड। 18 में क्या होगा? ए ऑप्शन। 19, संबंधित फाइल्स का समूह कहलाता है डेटाबेस।
क्या होगा, 19 में होगा आपका सी, 20 क्या है, 20 रिलेशनल मॉडल में को कार्डिनेलिटी कहते हैं, ट्यूपल्स की कुल संख्या को। 20 में क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 21 ER डायग्राम को प्रदर्शित करने का ग्राफिकल तरीका है, एंटिटी क्लॉसेस और उनका आपस में संबंध। 21 में क्या होगा आपका सी, बाईस क्या है, 22 क्वेश्चन। डेटाबेस की संरचना के रूप में देखी जा सकती है, डेटाबेस की संरचना 3 स्तरों के रूप में देखी जा सकती है, 22 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है आपका 23, एक डेटा आइटम के संग्रहण के लिए की आवश्यकता होती है डेटाबेस की, क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या होगा सी, 24 एक कंप्यूटर उपयोग करने देने से पहले यूजर नेम और पासवर्ड की जांच करता है डेटाबेस की, 24 में आपका डी होगा। 25 एंटिटी सेट जिसमें प्राइमरी की बनाने के लिए पर्याप्त फील्ड नहीं होता है कहलाता है, वीक एंटिटी सेट, 25 में आपका बी होगा, 25 में क्या होगा बी। 26 ER डायग्राम में एट्रीब्यूट्स के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, क्या होगा, दीर्घ वृत्ताकार बॉक्स, 26 में आपका सी होगा, 25 में आपका बी था, 26 में आपका सी है। 27 ER डायग्राम में एक एंटिटी को के द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये आपका आयताकार बॉक्स, 27 में आपका ए होगा, 27 में क्या होगा ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 28, डेटाबेस की एक की का एक अवैध प्रकार है, डेटाबेस की का एक अवैध प्रकार है स्ट्रक्चर प्राइमरी की, 28 में क्या होगा आपका ए। 29 एक फाइल की प्राइमरी की होती है जो दूसरी फाइल में भी उपस्थित होती है, फॉरेन की, 29 में आपका सी, 29 में क्या होगा सी ऑप्शन सही होगा। 30 की जिसका प्रयोग दो सारणियों के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है, फॉरेन की, 30 में आपका सी। 31 ER डायग्राम में रिलेशनशिप टाइप को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है डायमंड बॉक्स द्वारा, 31 में क्या होगा आपका डी। 32 DBMS प्राप्त करने में मदद करता है डेटा इंडिपेंडेंस और डेटा का केंद्रीकरण, इसमें आपका डी होगा, ए बी दोनों सही है। 32 में क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 33, रिलेशनल डेटाबेस में एक डेटा स्ट्रक्चर
जो एक विषय के बारे में सभी सूचनाओं को पंक्तियों तथा स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करता है। सारणी 33 में क्या है आपका? डी। 34, समय समय पर किसी फाइल में डेटा को जोड़ना, डेटा को बदलना या डेटा को मिटाना फाइल का कहलाता है। क्या कहलाता है? अपडेशन। 34 में आपका ए होगा। 34 में क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का लाभ है। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का लाभ है। डेटा की एकीकृत होता है, डेटा एकीकृत होता है और कई प्रोग्राम्स द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। 35 में आपका सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 36। वह भाषा जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स की विशेषताओं को परिभाषित करता है कहलाती है। DDL। क्या कहलाती है? DDL। 36 में आपका बी होगा। 37, DBMS का पूरा नाम क्या है? DBMS का पूरा नाम क्या है? 37, इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक पूरा हम लोगों ने कंप्लीट आपका लेक्चर यानी फुल फॉर्मों से बनाए हुआ है कि DBMS का क्या पूरा नाम है, CPU का पूरा नाम क्या है, इन्हीं से संबंधित आपका पूरा एक चैप्टर बना हुआ है। और याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। फिर हमारा क्या है? 38। क्या है 38? वह है डेटाबेस जो कॉमन फील्ड से जुड़ी टेबलों को रखता है। रिलेशनल डेटाबेस। 38 में क्या होगा आपका? सी। 39, सेट कॉन्सेप्ट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? सेट कॉन्सेप्ट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? रिलेशनल मॉडल में। 39 में आपका सी। 40, इनमें से डेटा का कौन सा चरित है जो डेटाबेस में होता है? स्वतंत्र, सुरक्षित, आदान प्रदान, ए सभी। क्या होगा इसमें? डी होगा। 40 में क्या होगा? डी, ए सभी। 41 की तरफ। किसी सारणी में केवल एक हो सकती है। क्या हो सकती है? प्राइमरी की। किसी सारणी में केवल एक प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है। 41 में आपका ए है। 42, ER डेटा मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर एडगार एगर एप कोड। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन हमारा 43, DML क्या है? DML क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। 43 में क्या होगा? बी। चलते हैं 44 की तरफ। क्या है 44? डेटाबेस के क्या नुकसान है? डेटाबेस के क्या नुकसान है? ये अधिक खर्चीला है। 44 में आपका डी है। 45, इनमें से किस की के जरिए किसी सारणी में किसी पंक्ति को खोजा जा सकता है? प्राइमरी की, अल्टरनेटिव की, कैंडिडेट की, ए सभी। 45 में क्या होगा आपका? डी। 46,
डेटाबेस में एट्रीब्यूट क्या होता है? डेटाबेस में एट्रीब्यूट क्या होता है? स्तंभ। 46 में क्या होगा आपका? ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट प्रिंट आउट के फॉर्मेट में होता है? रिपोर्ट। 47 में आपका डी। 48, किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड निकाले जाते हैं उसे उस क्वेरी का कहते हैं, क्या कहते हैं? डायनासेट। 48 में आपका बी। 49, डेटाबेस में डेटा को व्यक्त के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है, हायरार्किकल। डेटाबेस में डेटा को व्यक्त के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। 49 में क्या होगा आपका? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 50। डेटाबेस के आर्किटेक्चर के किस स्तर में डेटाबेस की पूर्ण संरचना होती है? तो 50 में क्या होगा? बी विचार संबंधी स्तर। 50 में आपका पी होगा। ठीक है, तो चलिए ये था आपका 10वां टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग आपका 11वां टेस्ट देखेंगे हम लोग।